Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandari. I welcome you all to the particular subject which is called as company law, and we are discussing the chapter number 2 which is called as share and share capital. So अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है, वी आर गोइंग इस बेसिस पे, जिससे कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपको चीजें समझ में आए, एंड ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू गिव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिससे कि आपको चीजें और क्लियर हो पाए. तो लास्ट क्लास में जहां पे हम बात कर रहे थे, वो टॉपिक था और उसका नाम प्रोस्पेक्टस था. वो बहुत ही मैं ये कहूंगा ऐसा टॉपिक नहीं है वो जो थोड़े वर्ड्स में कंप्लीट हो सके, बिकॉज प्रोस्पेक्टस अपने आप में एक चीज है एंड देन आप उसको अलग अलग तौर पे डिवाइड कर सकते हैं. तो इसीलिए कभी शेल्फ प्रोस्पेक्टस, कभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, कभी एवरेज प्रोस्पेक्टस, कभी ऑफर फॉर सेल या डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इन सब चीजों के बारे में हमने थोड़ी सी बात शुरुआत करी थी. कुछ पॉइंट जरूर हमने डिस्कस किए थे, बट अब इस वीडियो के दौरान हम कोशिश करेंगे उस चीज को आगे बढ़ाने की. सो आप देखिए, यहां तक हमारी ये बात हो चुकी थी, लाइक वी डिड टॉक्ड अबाउट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और थोड़ा सा मैंने समझाया था विद द हेल्प ऑफ अ प्रोस्पेक्टस जो इसी नोट्स का पार्ट है, कि देखिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की सबसे खास बात जो है वो यही होती है कि उसके अंदर कितने प्राइस पे शेयर दिया जाने वाला है वो नहीं क्लियरली मेंशन होता, वो मेंशन ही नहीं होता, रादर उसकी जगह ब्लैंक छोड़ दिया जाता है या उसकी जो जगह है वो खाली छोड़ दी जाती है. इसको मैंने दिखाया भी था और अभी फिर से मैं आपके सामने वो चीजें लेके आऊंगा. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बेसिकली कंपनी अपने बारे में, आप यूं कह दीजिए, अपने डिमांड जानना चाहती है. आप देखिए, किसी के सामने आप कोई चीज रखते हैं बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए, क्योंकि कंपनी अपने शेयर सेल कर रही है और उसको एक प्राइस बताते हैं, तो बहुत बार बहुत सारे लोग वो सामान नहीं खरीदते. तो शायद हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या पता जो प्राइस हम कोट कर रहे हैं कहीं ये हमारे कॉम्पिटिटर से या जो हमारे आसपास के लोग हैं उससे कहीं ज्यादा तो नहीं है, ये कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है. तो हम क्या करेंगे, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा जरिया है जिससे कि कंपनी ये चेक कर सकती है, रादर देन वो कोई प्राइस बताए कि वो अपना शेयर 500 रुपए का देना चाहती है और फिर कम लोग लें और उसकी वजह से जो शेयर है पूरा का पूरा, जो आईपीओ, याद होगा लास्ट क्लास में बताया था ये टर्म्स, आईपीओ एंड एफपीओ, तो वो फेल हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं है. तो इसलिए कंपनी पहले क्या करती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि भाई जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं वो कितने में हमारा शेयर खरीदने के लिए तैयार होंगे अगर हम शेयर्स लेके आते हैं. तो उसके लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू किया जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जैसे कि मैंने अभी बताया और दिखा भी दूंगा अभी मैं आपको, वो ये कि इसके अंदर प्राइस जो है वो नहीं मेंशन होता, इन द सेंस की जो डिटेल्स होती है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. बिकॉज देखिये, जिस कंपनी में आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं आप उस कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे, कितने प्राइस पे वो शेयर दे रही है ये भी आप जरूर जानना चाहेंगे, बिकॉज उसी के बेसिस पे शायद आप तय करेंगे कि आप उस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं कि नहीं. क्योंकि मान लीजिए उस कंपनी का शेयर, एक ही शेयर जो है वो 10,000 रुपए का है, तो मे बी बहुत सारे लोग नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे क्योंकि एक ही शेयर 10,000 का है. तो बहुत जरूरी है ये जानना कि कंपनी किस प्राइस पे शेयर दे रही है, और जब कंपनी ये चेक करना चाहती है कि इन्वेस्टर किस प्राइस पे उसका शेयर लेना पसंद करेंगे, तो उस कंसेप्ट को आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं. जरूर मैंने बात अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से स्टार्ट करी, बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रोस्पेक्टस के तौर पे हम बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टस और कुछ नहीं है, इट्स मेयरली अ डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे कंपनी लोगों से पैसे डिमांड करती है. कंपनी इज लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, कंपनी चाहती है कि लोग उसके साथ पैसे इन्वेस्ट करें, उनकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें. और कंपनी की हमने जैसे पहले बात करी थी लास्ट पार्ट में कि कंपनी के बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं कि वो इन पैसों का क्या करेगी. वो आप देखिए ना, कि अगर मान लीजिए आपको लॉटरी लग जाए एकदम से, बहुत सारे पैसे आपके पास आ जाएं, तो सबको, जितने भी लोग लेक्चर्स देख रहे हैं, सबको अगर पूछा जाए तो सब लोग अपने अपने तौर पे उसका जवाब देंगे. कोई कहेगा मैं कपड़े खरीद लूंगा, तो कोई घूमने चला जाएगा, तो कोई मोबाइल खरीद लेगा, हो सकता है कोई अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करे, फॉर श्योर करना ही चाहिए. तो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे सभी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव है. इसी तरीके से जब कंपनी भी पैसे रेज करती है तो एक ऑब्जेक्टिव बताना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड द सर्कमस्टेंसेस जो उस समय है कंपनी डिसाइड कर सकती है. तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड द कंप्लीट पर्टिकुलर, व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम, मतलब कितने शेयर्स हैं और कितने प्राइस पे शेयर दिए जाने वाले हैं. मैं इसी का आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का एग्जाम्पल भी दिखाना चाहता हूँ. आप ये देख ही सकते हैं, लास्ट क्लास में भी यहीं तक हमारी बात हुई थी, बट जस्ट टू मेक श्योर कि हम सही सही से चीजें समझ रहे हो. ये देखिए, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है.
यहाँ पे ड्राफ्ट इसलिए लिखा है बिकॉज अभी प्रोस्पेक्टस फाइनल नहीं है, पहले इसको अथॉरिटी के पास फाइल किया जाएगा, सेबी वगैरह के पास। सेबी समझते हैं ना कौन है, सेबी मतलब कौन है जो इन पूरी चीजों को रेगुलेट करता है, जो पूरे शेयर्स को रेगुलेट करता है, जो एनएससी, याद है एनएससी बीएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। तो सेबी के पास भी फाइल किया जाता है और सेबी भी अपने कमेंट्स दे सकता है अगर उसको लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो रूल्स लॉज के प्रोविजंस के बियॉन्ड है, नहीं होना चाहिए, तो वो अपनी बात जरूर सजेस्ट कर सकता है। बट फिलहाल जिस चीज को हमें यहाँ पे देखना है वो ये, एक तो जो लास्ट लास्ट में कंपनी सेक्रेटरी का नाम है वो तो है ही है, बट आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस बैंड रुपीज कुछ नहीं लिखा, 2 रुपीज डैश पर इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10, यानी 10 रुपए का है तो एक शेयर, बट कंपनी उसको कितने में इश्यू करेगी ये अभी यहाँ पे नहीं है। आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं दिस इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अभी मैं आपको एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस भी दिखाऊंगा, क्योंकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमने देखा तो हमने एक साइड की चीजों को समझा कि भाई हाँ ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऐसा होता है, सर ने दिखाया और उसके ऊपर लिखा भी था कि वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। बट नॉर्मल प्रोस्पेक्टस कैसा दिखता है जहां पे ये चीजें मिसिंग नहीं होती हैं, ये भी अब आप देख सकते हैं। ये सब चीजें इसलिए देखिए, ये सब मॉड्यूल का पार्ट तो नहीं है, तो मॉड्यूल तो हम कवर कर ही रहे हैं, बट उसको इस तरीके से कि आपको कहीं बिल्कुल भी 1% परेशानी ना हो। ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रोस्पेक्टस है, ना ये शेल्फ है, ना ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, ना ये एवरेज है, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल प्रोस्पेक्टस। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो अभी हमने देखा कि उसमें जो हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे थे उसमें प्राइस नहीं क्लियरली मेंशन था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ूं, लिखा है पब्लिक इश्यू ऑफ 54 लाख इक्विटी शेयर एट द फेस वैल्यू ऑफ 10 फॉर ब्राइट सोलर लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, फॉर कैश एट अ प्राइस ऑफ ₹36 पर इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग अ शेयर प्रीमियम ऑफ 26 पर इक्विटी शेयर, द इश्यू प्राइस अग्रीगेटिंग टू ₹19,444 लाख ऑफ विच 2,70,000 इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच एट कैश। तो मतलब जो बाकी बात लिखी है वो फिलहाल हमें हमारे फोकस की नहीं है, जो हमें समझना है वो ये कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ₹36 पे शेयर इशू हो रहा है। उनका कहना है कि 10 रुपए का तो जो हमारा है वो एक तरीके से फेस वैल्यू है और ₹26 का हम उस पर प्रीमियम लगा रहे हैं, तो कुल मिला के जो फिगर आती है वो ₹36 आती है। तो ये देखिए क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके सोचने पे रख दिया गया हो कि अपने आप सोचे हैं या बाद में पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज द फाइनल प्रोस्पेक्टस। और इसी तरीके से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बाद में दिखता है, ये भी समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी चीज को आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का नाम दे रहे हैं तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद जब वो फाइनल हो जाएगा, जब लोग अपनी रिकमेंडेशन दे देंगे, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया और अभी भी कहा, तो कंपनी उसके बाद जो और सीनियर एक्सपर्ट्स हैं उसके बारे में बात करेगी उन सबसे, और फिर फाइनली एक प्राइस जो होगा डिटरमाइन किया जाएगा। तो जब कंपनी वो प्राइस डिटरमाइन कर लेगी तो वही कंपनी जिसने पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया था वही कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस लेके आएगी, जिसके अंदर वो पूरी डिटेल जो कि प्रीवियस प्रोस्पेक्टस जो कि रेड हेरिंग था उसमें मिसिंग थी वो अब नहीं रहेंगी, कंपनी जो डिटेल्स है वो सारी की सारी मेंशन कर देगी। तो इन शॉर्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हर वो प्रोस्पेक्टस है जहां पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच मीन्स द प्राइस, कितने शेयर्स वगैरह, ये सब मिसिंग रहता है। और कंपनी ये इसलिए करती है कि कंपनी जान पाए कि जो लोग हैं जो ये शेयर्स ले सकते हैं वो सच में कितने में हमारा शेयर लेने के लिए इंटरेस्टेड है, और सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लिख के भेजते हैं कंपनी को, और कंपनी एक्सपर्ट्स के साथ मिलके जिनको मर्चेंट बैंकर्स भी कहा जाता है, क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे बिकॉज ये अभी सिर्फ सेकंड चैप्टर है, तो उनके साथ मिलके फाइनल प्राइस डिटरमाइन करती है और फिर प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिखा है शेल्फ प्रोस्पेक्टस हैज बीन रेफर टू मीन अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज ऑफ द क्लास ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ द फर्दर प्रोस्पेक्टस। सो देखिए कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती हैं, मैं शेल प्रोस्पेक्टस को समझा रहा हूँ और अभी इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि शेल प्रोस्पेक्टस दिखता कैसा है। तो देखिए कुछ कंपनीज होती हैं जो कि रेगुलरली मार्केट से पैसे लेती हैं, ठीक है,
जो कि गलत नहीं है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई लिमिट है कि भाई एक आम इंसान जो है वो कितने बैंक से लोन ले सकता है और कितने अमाउंट का ले सकता है, या फिर ऐसा कोई रूल या कानून है क्या कि एक महीने में आप एक ही बैंक से लोन ले सकते हैं, एक महीने में दो बैंक से आप लोन नहीं ले सकते, क्या ऐसा कोई रूल है? आप कहेंगे कि सर हमें तो नहीं लगता, और ये बिल्कुल सही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो जब हम इंडिविजुअल्स पे ऐसा कोई रूल नहीं है, तो कंपनी में भी कोई ऐसा रूल नहीं है, तो कंपनी जितनी बार चाहे पैसे ले सकती है। पर द थिंग इज, उसके पास कुछ नया आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो पैसे लेना चाहती है, बट उसको पैसे देगा कौन अगर उसके पास कोई नया अप्रोच या आइडिया नहीं है? भाई आप देखो, आप कहीं भी इन्वेस्ट तभी करते हो एज ए नॉर्मल प्रैक्टिस जब आपको लगता है कि वहां से आपको फायदा हो सकता है। तो शेल प्रोस्पेक्टस के तौर पर बात करते हुए जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि जो कंपनीज रेगुलरली मार्केट से पैसे लेती हैं, अगर उनको हम कहें कि आप बार बार प्रोस्पेक्टस बनाइए, फिर बार बार जैसे कि मैंने कहा सेबी पे फाइल करते हैं, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो लोग अपना अप्रूवल देते हैं, करेक्शन सजेस्ट करते हैं, इसमें ये काफी लंबा प्रोसेस है और काफी समय इसमें चला जाता है। तो अगर हम उनसे ये कहेंगे तो फिर ये थोड़ा सा अलग लगेगा, बिकॉज उनको इमीडिएट फंड्स की जरूरत है। तो अगर वो हर बार ये जैसे अभी एक बार प्रोस्पेक्टस लाए जनवरी के महीने में पैसे ले लिए, अब मान लो फिर से फेब्रवरी में वो यही करना चाहते हैं, तो फिर प्रोस्पेक्टस वगैरह का जो पूरा का पूरा अगर आप बात करें कि ये जो एक प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं, तो अगर फरवरी में उन्हें पैसे चाहिए तो फिर वो कहाँ से इतनी जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि जनवरी में तो अभी किया ही है उन्होंने। तो बेसिकली शेल प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो कि स्पेशल तौर पे परमिशंस कुछ कंपनी लेती हैं, उनके लिए ये होता है, ये हर कंपनी नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी कंपनीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करे, हर कंपनी के ऊपर नहीं एप्लीकेबल है, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, तो वो कंपनीज क्या कर सकती हैं, शेल प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे आपने एक बार प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया और परमिशन ले ली, तो अगले 12 महीने तक, मान लीजिए मैंने जनवरी 2020 में एक प्रोस्पेक्टस फाइल किया, तो जनवरी 2021 तक मेरे पास परमिशन हो जाएगी कि इस पूरे के पूरे साल में, यानी जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक मैं जितने भी इश्यूज लेके आऊंगा एफपीओ, यानी आईपीओ तो क्योंकि एक ही बार आता है, इनिशियल है, उसके बाद तो एफपीओ ही आएगा हमेशा, तो जितने भी पब्लिक इशू लेके आऊंगा मुझे दोबारा से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, मैं वो काम दोबारा दोबारा लोगों से पैसे रेज कर सकता हूँ, मुझे सेबी से आरओसी से परमिशन नहीं तो नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस है। तो बेसिकली शेयर प्रोस्पेक्टस हर कंपनी को अलाउ नहीं होता। जिन कंपनीज की बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है और कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता ऐसा जो प्रूव कर सके कि कंपनी ने कभी भी फ्रॉड किया है या धोखा किया है, उसको ये प्रोविजन यूज करने का मौका मिल सकता है। जब पहले कंपनीज एक्ट 1946 था तो इसको लेके बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, बट अब इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है, बट अभी भी सब कंपनीज के लिए नहीं अवेलेबल है। तो शेयर प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक वो प्रोस्पेक्टस है जहां पे आप बार बार अगर लोगों से पैसे लेते हैं, वेरी फ्रीक्वेंटली, बार बार का मतलब ये नहीं है कि हर दिन, मतलब वेरी फ्रीक्वेंटली एवरी मंथ और मे बी एवरी 2 मंथ्स, तो आप शेयर प्रोस्पेक्टस के लिए अगर परमिशन ले लें तो आप बस एक बार प्रोस्पेक्टस आपने अप्रूव करा लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हर महीने हर 2 महीने में जब जब आपको पैसे की जरूरत हो आप एकदम से मार्केट में जा सकते हैं और अपना प्रोस्पेक्टस लेके आके पैसे ले सकते हैं। मतलब किसी से अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रेगुलेटर्स हैं, जो अथॉरिटी है, उनको इतना कॉन्फिडेंस था आपकी कंपनी पे कि उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, इस कंपनी को हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कभी इन्होंने फ्रॉड नहीं किया है। तो ये जो है वो शेल प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट है। पढ़ते हैं, फिर मैं समझाऊंगा जो मैंने अभी पढ़ा भी रहा था। तो लिखा है, हैज बीन रेफर्ड टू मीना प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सिक्योरिटी और क्लास ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडेड देयर इन आर इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड वन और मोर इश्यू ओवर अ सर्टेन पीरियड। और क्या लिखा है, विदाउट द इश्यू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, विदाउट द इश्यू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। एक बार आपने अप्रूवल ले लिया, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आप बार बार जो है वो एक बार अगर आपने अप्रूवल ले लिया तो आप बार बार मार्केट में जा सकते हैं और लोगों से पैसे की डिमांड कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जब जनवरी में कंपनी ने प्रोस्पेक्टस फाइल किया और उसको शेल प्रोस्पेक्टस के थ्रू अप्रूवल मिल गया, और मान लीजिए जो जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द ईयर 2020, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो जनवरी 2020 में कंपनी ने फाइल किया, परमिशन ली कि भाई हमें शेल प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन दे दिया जाए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है फंड्स को रेज करने की,
तो सेबी ने सारे, सेबी समझ गया ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया और उसके बाद फाइनली ये तय कर लिया कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि इस कंपनी को परमिशन दे देते हैं। और 1 साल की परमिशन मिली, तो जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक अगर कंपनी कोई भी इशू लाएगी और कितने भी लाएगी, यानी जनवरी 2020 के बाद क्या है, फरवरी मार्च पूरा साल 2020 का और जनवरी 2021 का 1 महीना जो कि खुद जनवरी है, तो अगर इतने महीने के अंदर, पिछले मतलब 12 महीने के अंदर, ऐसे मान के चलिए कि जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2021 तक 1 साल तक कंपनी इश्यूज लेके आती रहेगी बट उसे किसी का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, तो ये शेल प्रोस्पेक्टस है। पर यहाँ पे एक चीज है जो हमें समझने की है, वो ये कि मान लीजिए कंपनी ने जब ये शेल प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल लिया था सेबी से, और सेबी ने ये सोच के अप्रूवल दिया था कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और कंपनी ने आज से पहले कोई भी गलत काम नहीं किया है, इलीगल एक्टिविटी नहीं करी है, तो कंपनी ठीक है, मतलब विश्वास करने लायक है। अब क्या हुआ कि जनवरी में कंपनी इशू लेके आई और उसके बाद अब कंपनी प्लान कर रही है कि हम मार्च में इशू लेके आएंगे, तो जनवरी में इशू लेके आए उसके बाद कहती है फरवरी में नहीं मार्च में करेंगे, क्योंकि देखो आप बेचने जा सकते हो चीजें और हो सकता है आपके जो शेयर्स हैं, जो भी आप चीज सेल आउट कर रहे हैं जनरल, वो बहुत अच्छी हो, बट लोगों के पास पैसे भी तो होने चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट की भी सबकी एक कैपेसिटी है। अब यहाँ हर कोई टाटा बिरला तो नहीं है ना कि भाई हर समय इन्वेस्ट करता ही रहे, तो सभी की अपनी कैपेसिटी है, तो उस थॉट प्रोसेस में उन्होंने कहा कि हम फरवरी का महीना रहने देते हैं, मार्च में जाएंगे। अब क्या हुआ कि फरवरी के महीने में कुछ बहुत ज्यादा कंपनी के अंदर चेंजेस आ गए, जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट जो था वो पूरा बदल गया। पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत बड़े बड़े सीनियर, बहुत बड़े बड़े मतलब ये नहीं कि हाइट में और एज में, बड़े बड़े मतलब बहुत सीनियर लोग थे, बट फॉर सम रीजन उन सभी ने रिजाइन कर दिया, सारे ने रिजाइन कर दिया और नए लोग आ गए। तो अब ये क्या है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि जब कंपनी ने या मैं ऐसे कहूंगी जब सेबी ने कंपनी को अप्रूवल दिया था शेयर प्रोस्पेक्टस के लिए, तो वो इस थॉट प्रोसेस पे दिया था कि भाई इतने सीनियर लोग हैं कंपनी के मैनेजमेंट में और उनमें से किसी के नाम पे भी कोई गलत इल्जाम नहीं लगा है, तो कंपनी आगे भी गलत नहीं करेगी, विश्वास देखिए कहीं ना कहीं तो हमें करना ही पड़ता है, तो ये थॉट प्रोसेस था। बट अब जैसे कि मैंने कहा ये जनवरी की बात थी, फेबररी में कुछ हुआ, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए या जो भी हुआ हो, मैनेजमेंट जो था उसमें अगर मान लो ऐसे समझ लो, चलो अगर नंबर्स के तौर पे बोलूं कि 10 लोग थे डायरेक्टर्स, तो 10 में से 8 रिजाइन करके चले गए, सिर्फ 2 पुराने बचे और बाकी सब नए हैं। तो ये बहुत बड़ा कुछ हुआ है, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे आप जानते हैं कि कंपनी को डे टू डे मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी को भरोसा और कंपनी अपने आप पे आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो कुछ कर नहीं सकती कंपनी, तो सेबी ने जब अप्रूवल दिया था तो वो इस बेसिस पे दिया था कि कंपनी के अंदर इतने रिनाउंड और सीनियर लोग डायरेक्टर्स हैं तो ये कभी गलत काम नहीं करेंगे। पर अब तो वो जा चुके हैं, उनमें से 10 में से सिर्फ 2 ही लोग रह गए, 8 तो चले गए हैं, तो बड़ी माइनॉरिटी में बहुत कम लोग रह गए, 10 में से 2 ही लोग रह गए, बाकी आए हैं अभी भी 10 हो गए फिर से, बट 8 लोग एकदम नए आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा कुछ चेंज आया है तो इस तरीके के चेंज को आपको सेबी को बताना होगा कि भाई देखो हमने आपसे अप्रूवल शेल प्रोस्पेक्टस का लिया था, उस समय ये डायरेक्टर्स थे और अब इतने में से 10 में से 8 लोगों ने रिजाइन कर दिया और नए लोग हमारे बोर्ड पे आए हैं। तो अगर सेबी को लगेगा कि चलो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेबी आपको कह सकता है ठीक है कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िए, आप बिना अप्रूवल के लोगों से पैसे ले सकते हैं, मतलब बिना सेबी के अप्रूवल के, बिना सेबी को प्रोस्पेक्टस दिखाए, बिना सेबी से प्रोस्पेक्टस वेरीफाई या चेक कराए आप लोगों से पैसे ले सकते हैं। पर अगर सेबी को लगता है नहीं भाई हमने तो जस्ट टर्म्स पे कंसेंट दिया था, वो तो पुराने टर्म्स थे, पुराने लोगों के साथ थे, वो तो सब चले गए, तो अब ये नए लोग आए हैं और मोर देन लाइकली हमें नहीं पता कि ये नए लोग किस तरीके से कंपनी चलाएंगे, क्योंकि थोड़ा समय हो जाएगा तब पता चलेगा ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, भाई समय के साथ चीजें अपने आप समझ में आती हैं। तो इन दैट केस सेबी मना भी कर सकता है, कह सकता है जरूर हमने आपको शेल प्रोस्पेक्टस के तौर पे अप्रूवल 1 साल का दिया था, बट क्योंकि ये बहुत मेटीरियल चेंजेस आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आ गए, डायरेक्टर्स मेजोरिटी बदल गए, मतलब 100 में से 10 अगर डायरेक्टर थे और उसमें से 8 चले गए, यानी 80% डायरेक्टर्स आपका चेंज हो गए, तो हम आप ये शेल प्रोस्पेक्टस की जो हमने कंपनी को रिलैक्सेशन दी है, जो हमने उसको थोड़ा सा फायदा दिया है, हम विदड्रॉ करते हैं। तो आई थिंक ये हमें समझने की जरूरत है कि शेल प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जहाँ पे कंपनी पे विश्वास होने के बाद सेबी उसको अलाउ करता है कि वो मल्टीपल
इश्यूज लेके आ सकते हैं साल में, और जब वो इश्यूज लेके आएंगे तो उन्हें अपना प्रोस्पेक्टस सेबी के साथ फाइल करने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी। एक बार बस पहला प्रोस्पेक्टस अप्रूव करा लिया और सेबी ने एक साल का समय दे दिया, तो अब एक साल के अंदर वो चाहे तो 10 इश्यू लाए नए या 15 लाए या 5 लाए, वो उनकी मर्जी है, कंपनी की मर्जी है, अलग से उनको सेबी से अप्रूवल नहीं लेना है, जो कि नॉर्मली जब जब आप प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं लेना पड़ता है। पर मैंने जो समझाया, अगर जो भी टर्म्स थे, जो लोग थे या कुछ भी मैनेजमेंट था, उसमें अगर बदलाव आया है, उसमें अगर चेंजेस आए हैं, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सेबी को इंटीमेट करे। पता तो सेबी को चल ही जाएगा, क्योंकि बहुत गिनी चुनी कंपनीज को ये शेल प्रोस्पेक्टस का ऑफर मिलता है, जैसे मैंने अभी कहा, ये सबके लिए नहीं है, बहुत गिनी चुनी कंपनीज है, और अगर कंपनी गलत करेगी तो इन द एंड ऑफ द डे उसको दिक्कत होगी होगी। तो ये चीज हमें जो है वो ध्यान रखनी है। अब मैं शेल प्रोस्पेक्टस आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए, अब मैं शेल प्रोस्पेक्टस की तरफ जब बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है शेल प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे भी दिखाना चाहता हूँ। और ये सारे मतलब रियल लाइफ के एग्जाम्पल है, मुझे लगता है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं थी, बट कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, रियल लाइफ का मतलब है ये कंपनी सारी एग्जिस्ट करती है, ये मैंने आपके लिए डेटा ढूंढा है, ये मॉड्यूल में नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, चाहे तो देख सकते हैं। जो भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहे ये प्रोस्पेक्टस है, चाहे इसके नीचे के प्रोस्पेक्टस है, कोई मॉड्यूल में नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको समझ में आ सके, बिकॉज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक्सपर्ट बना दूं कंपनी लॉ में, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो आप मेरे यहाँ से पढ़ेंगे सब में एक्सपर्ट में आपको बना दूं, मैं तो यही चाहता हूँ। तो उस थॉट प्रोसेस पे आप यहाँ पे देखेंगे, कंप्लायंस ऑफिसर का नाम हमेशा सबसे पहले होता है, क्योंकि वो कंपनी द कंपनी सेक्रेटरी है, द इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, या यूं कह दीजिए बहुत बड़ी पर्सनालिटीज होती हैं, नाम के आगे तो लगता भी नहीं है, बट जनरली मैं इसलिए वर्ड ये यूज कर रहा हूँ THE, द, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट रोल ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस है। जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका जो एक तरीके से जो समिशन की बात कर रहे थे, कि भाई अगर किसी को कोई दिक्कत है या किसी को फर्दर डिटेल चाहिए तो वो कंपनी से पूछ सकता है, बट शेल प्रोस्पेक्टस का अगर हम कंपैरिजन करें ना, कि भाई प्रोस्पेक्टस के मुकाबले जो शेल प्रोस्पेक्टस होगा वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस याद है लास्ट क्लास में बताया था 300 से 400 500 में 300 400 और 100 पेजेस का गैप ले रहा हूं, मैं जानता हूं और ये कम नहीं होते, बट इसलिए गैप लेना पड़ रहा है क्योंकि ये रेंज है। मैं ये कह नहीं सकता कि 300 का ही होता है, ये भी कहना मुश्किल है कि 400 का ही, क्योंकि हर तरीके की कंपनीज हैं और हर तरीके की वो इंफॉर्मेशन लिखती हैं, तो ये एक नॉर्मल रेंज रहती है। तो उस थॉट प्रोसेस पे जो शेल प्रोस्पेक्टस है वो बहुत ही छोटा रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी मेन प्रोस्पेक्टस तो हम फाइल कर चुके हैं, ये तो बस एक इंटीमेशन है कि भाई हाँ हम दोबारा से ऑफर लेके आ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जब हम शेल प्रोस्पेक्टस बनाएंगे तो ये 200-250, 300-400, 500 पेजेस का नहीं होगा, 50-60 पेज का मुश्किल से होगा, क्योंकि ये तो एक तरीके का एक यू कह दीजिए एक एडिशनल है, बिकॉज मेन प्रोस्पेक्टस हमारा सेबी से अप्रूव हो ही चुका है, तो शेल प्रोस्पेक्टस जो होगा वो कभी भी उतना बड़ा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ द पेजेस जितना कि नॉर्मली एक प्रोस्पेक्टस होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, अब आगे बात करते हैं उसी पे, तो ये बात हमारी हो चुकी है और ये प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि नॉर्मली इस तरीके से दिखता है ये प्रोस्पेक्टस, और कंपनी सेक्रेटरी चाहे किसी भी तरीके का प्रोस्पेक्टस इश्यू करें, बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कंपनी में मतलब किसी भी तरीके का मतलब चाहे आप शेल प्रोस्पेक्टस लाएं, चाहे रेडेयरिंग प्रोस्पेक्टस लाएं, चाहे अभी एवरेज प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे या डीम प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करेंगे, किसी भी तरीके का प्रोस्पेक्टस लाएंगे आपके सामने, ये रियल लाइफ के एग्जांपल है, जैसे ये ब्राइट सोलर लिमिटेड है, तो मैंने अपने मन से थोड़े बनाई है ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, तो इन दैट केस आप ये मान के चलिए अगर आप प्रोस्पेक्टस लेके आ रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं जो मैंने पहले भी कहा था, सो आपकी कंपनी में ध्यान से सुनना है, आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होगा ही होगा। अगर नहीं है, बच्चे पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप पब्लिक इशू ये जो आप प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं ये नहीं ला सकते, कंपनी सेक्रेटरी का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? इसलिए जरूरी है क्योंकि वो लॉ का एक्सपर्ट है, जब हम यहाँ पे इतने सारे प्रोविजंस को फॉलो करेंगे तो लॉ का ये मानना है, गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, इसके लिए हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कॉर्पोरेट लॉ का एक्सपर्ट हो, और जब CAS के बारे में बात करते हैं तो फिर वहां पे उस चीज को कंसिडर करते हुए उसके आगे कोई आ नहीं सकता, क्योंकि वो कॉर्पोरेट लॉ का एक्सपर्ट है।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रोस्पेक्टस के बारे में आप बात करी गई है और उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया जा गया है। अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं तो आई थिंक थोड़ा सा सही रहेगा कि देखिए, एक है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो मैं आपको बता चुका हूँ, शेल प्रोस्पेक्टस मैं आपको बता चुका हूँ, एनी डॉक्यूमेंट इशूड एज प्रोस्पेक्टस, एनी नोटिस, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट। तो ये दो जो है ये अभी हमने बात करनी बाकी है, बाकी पहले के दो जो है वो बात हो चुकी है, अभी नीचे बात करेंगे। और जो मेजर टॉपिक है प्रोस्पेक्टस, ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी बताया था और अभी भी बताया स्टार्ट करते हुए कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी इशू करती है जिससे वो लोगों से कहती है कि हमारे शेयर्स ले लो और हमें इसके बदले पैसे दे दो, मतलब जितने का भी शेयर है उसके बेसिस पे, उस डॉक्यूमेंट को आप प्रोस्पेक्टस कहते हैं। बट ये इतना ही नहीं है, मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको एक प्रोस्पेक्टस को सीएस से रिलेट करके बताया था कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन, अगर आप प्रोस्पेक्टस पढ़ें, नहीं तो अगर आप कहें कि सर मुझे प्रोस्पेक्टस नहीं मिला तो मैं कहता हूँ आप आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं, बट पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना उसके बाद ही जाना, बट आप जाके देख सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा होता है ना प्रोस्पेक्टस, कहीं भी इशू, स्कूल में भी बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, कॉलेज में भी, तो उनके भी प्रोस्पेक्टस होते हैं। तो और कुछ नहीं है प्रोस्पेक्टस, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे अगर कंपनी है तो कंपनी के बारे में, क्यों शेयर इशू कर रही है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, पैसे का क्या करेगी, कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है, कंपनी प्रेजेंट कैसे चल रही है, फ्यूचर में वो क्या उम्मीद करती है, एवरीथिंग इज बीइंग, जो जो आप सोच सकते हैं बताने के लिए, अच्छा एंड बुरा दोनों। ये नहीं कि हमने सिर्फ पॉजिटिव साइड बतानी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रोस्पेक्टस जो होगा अप्रूव्ड नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके अंदर एजम्पशंस लीजिए, बट जो जो गलतियां कंपनी से हुई हैं आपको छुपाने का राइट नहीं है। जब आप अपनी कंपनी के बारे में सारी अच्छी बातें भी बता रहे हैं तो फिर आपको बुरी बात भी बतानी है, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। आप अगर सिर्फ वन साइडेड स्टोरी बताएंगे तो फिर किसी को कैसे पता चलेगा कि पूरा सच क्या है और क्या नहीं है। तो ये बात है। मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26। अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 सब सेक्शन 1। अगर ये सेक्शन 2 होता, जैसे कि 2 ब्रैकेट में 68 है और ये कंपनीज एक्ट है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा सेक्शन 2 क्लॉज 68, बट बाकी सारे सेक्शन कैसे पढ़े जाएंगे सेक्शन 26 सब सेक्शन 1। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 सब सेक्शन 1, एवरी प्रोस्पेक्टर शैल स्टेट सच इंफॉर्मेशन एंड सेट आउट सच रिपोर्ट्स on the financial information as may be specified by Security Exchange Board of India in consultation with the central government. तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जब भी prospectus हम issue करेंगे सारी की सारी information देनी है। information का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, company के बारे में सब कुछ, और सब कुछ का मतलब ये है financial information, मतलब company भाई देखो अगर कोई loss making company है, मतलब ये है कि अगर किसी company के assets ज्यादा है और liabilities कम है तो वो company अच्छी है ना, बट अगर उल्टा है यानी लॉस मेकिंग कंपनी है जहां पे लायबिलिटीज जो है वो काफी ज्यादा है और एसेट्स जो है वो काफी कम है, तो मुझे लगता है अगर ये पोजीशन सामने आ जाएगी तो कोई भी शायद उस कंपनी के शेयर नहीं खरीदेगा। क्योंकि हमें ठीक है बड़े बड़े वादे कर सकती है कंपनी की, हमारी पोजिशन इंप्रूव हो जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट क्या पता इस बात की क्या गारंटी है, हो सकता है कुछ ना भी हो और कंपनी जो है वो झूठ बोल रही हो और हमसे पैसे ले लो और फिर बाद में हमें पैसे भी वापस ना मिले। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी दिखाना जरूरी है, विच इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पिछले सालों का, ये दिखाना जरूरी है और उसके बेसिस पे ही इन्वेस्टर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करना भी चाहता है या नहीं। अब बात करते हैं शेल प्रोस्पेक्टस की। देखिए शेल प्रोस्पेक्टस में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जब कंपनी मल्टीपल इश्यूज लेके आती है तो शेल प्रोस्पेक्टस का वो यूज कर सकती है, उसको बार बार अपना प्रोस्पेक्टस सेबी आरओसी और रेगुलेटरी बॉडीज के पास फाइल करने की जरूरत नहीं है, जिससे उसका समय बचता है और वो पैसे भी काफी जल्दी रेज लोगों से कर सकती है। देखो लिखा भी है कि शेल प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सिक्योरिटी और क्लास ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडेड देयर इन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू over a certain period without the issue of further prospectus. ये important बात है कि are issued for subscription in one or more issue. एक या एक से ज्यादा, मैंने क्या बताया कि एक साल तक का आपको अप्रूवल मिल गया, मैं ऊपर कहा ना कि जनवरी 20 से लेके जनवरी 21 तक का अप्रूवल मिल गया, आप इसके अंदर चाहे आप एक इशू लाइए, चाहे आप 10 इशू लाइए, चाहे आप 5 इशू लाइए, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा हूँ बार बार और समझने की जरूरत है कि आप बार बार अगर इश्यूज लेके आते रहेंगे, चलिए हो सकता है सेबी ने आपको अप्रूव कर दिया, इशू क्यों ला रहे हैं कि लोग पैसा इन्वेस्ट करें। अब जिसके पास होगा
वो फॉर श्योर इन्वेस्ट करेगा, बट अगर बार बार आप लेके आएंगे तो फिर हर बंदा नहीं इन्वेस्ट करेगा। जो एक बार कर चुका है वो सोचेगा कि इसी मैं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करके देखूं, क्योंकि यही तो डाइवर्सिफिकेशन का रूल है। डाइवर्सिफाई मतलब क्या होता है कि मेरे पास अगर मान लो 100 रुपए हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 100 रुपए मैं अपने सारे के सारे जो है वो कंपनी ए के शेयर में इन्वेस्ट कर दूं, या 100 रुपए के मैं चेंज कराऊं 10 रुपए के 10 कॉइन्स या नोट्स ले लूं और उसको 10 कंपनीज में अलग अलग 10-10 रुपए इन्वेस्ट करूं। समझ रहे हो मेरी बात? या तो 100 के 100 रुपए मैं किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, या 100 रुपए को मैं चेंज करा लूं, यानी एक तरीके से उसको डिवाइड कर लूं 10 रुपीज इंटू 10, यानी 10 रुपए के 10 नोट ले लूं या कॉइन्स ले लूं और हर कंपनी में 10-10 रुपए इन्वेस्ट कर दूं 10 कंपनी में। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन होने से क्या होता है? रिस्क कम रहता है, क्योंकि एक कंपनी में लॉस हो सकता है, दो में हो सकता है, तीन में हो सकता है, चार में हो सकता है, पांच में हो सकता है, छह में हो सकता है, मतलब इससे ज्यादा होगा तो फिर किस्मत ही खराब है, क्योंकि इतनी कंपनीज में लॉस नहीं जनरली होता। बट अगर होगा भी तो फिर भी आपके पास कुछ तो बचेगा। अगर आपने एक ही में इन्वेस्ट कर दिया सारा और एक ही कंपनी में लॉस हो गया तो फिर तो कुछ भी नहीं बचा आपके पास। तो जिसने इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया वो तो दोबारा करेगा नहीं। तो हर कंपनी को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ लोगों के पास जाना और कहना कि शेयर ले लो हमारे, इससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमारे थोड़ा समझना होगा कि क्या ये हम बार बार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो खैर, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप एक से ज्यादा बार अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं, बट बार बार आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होगी, नहीं होगी। इन सिंपल टर्म्स, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर, देखो क्या लिखा है, फॉर मल्टीपल पब्लिक इशू। एक से ज्यादा पब्लिक इशू आप ला रहे हैं बट प्रोस्पेक्टस एक फाइल करेंगे। इश्यूअर इज परमिटेड टू ऑफर एंड सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक विदाउट सेपरेट प्रोस्पेक्टस फॉर ईच एक्ट ऑफ ऑफरिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो जो इश्यूअर है वो राधर देन ये समझे हम लोग कि बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करे, एक बार उसने इशू कर दिया और उसी के बेसिस पे वो आगे भी जब तक उसका टेन्योर वैलिड है, जैसे कि मैंने कहा शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी अगर 1 साल है, अगर 1 साल 12 महीने है तो 12 महीने तक उसको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान रखें एक चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इसमें इस दौरान बीच में कुछ चेंज हुआ, ऊपर मैंने समझाया कि जनवरी में आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया था, फरवरी में मेजोरिटी डायरेक्टर्स बदल गए, तो फिर आप नहीं उस शेल्फ प्रोस्पेक्टस का यूज कर सकते, क्योंकि जो जनवरी में आपको अप्रूवल सेबी ने दिया था वो इस कंडीशन में दिया कि सब कुछ ऐसे ही रहेगा अगले आने वाले 1 साल में भी। और ये तो अगले महीने ही चेंज हो गया, तो फिर आपको सेबी को बताना पड़ेगा और उस बताने को जो हम कहेंगे या ये कहिए कि आप उस तरीके से जब सेबी को कन्वे करेंगे कि भाई ये चीजें में चेंजेस आए हैं, तो उसको आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का नाम देंगे, वो नीचे अभी पढ़ेंगे। तो लिखा सच प्रोस्पेक्टस इज टू बी सबमिटेड एट द स्टेज ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सच प्रोस्पेक्टस। द वैलिडिटी पीरियड शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज अंडर द प्रोस्पेक्टस। तो अगर मान लो कि ये बात तो क्लियर हो गई कि नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर यानी 12 महीने तक का ही होगा, 12 महीने 1 ईयर जैसा आप चाहे कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि मान लो मैंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस जनवरी 25 को फाइल किया था और मुझे 28 जनवरी को सेबी से अप्रूवल मिल गया कि ठीक है 1 साल तक आप अपना इशू ला सकते हो और आपको प्रोस्पेक्टस सेबी में बार बार फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो अप्रूवल का मतलब मुझे मिला 28 जनवरी को, तो जो 12 महीने होंगे वो यहीं से काउंट किए जाएंगे। मान लीजिए वो 28 नीचे देखिए वहां, मान लीजिए वो 28 जनवरी 2020 है, तो 27 जनवरी 2021 तक 1 साल मेरा वैलिड रहेगा और इसके बीच में मैं जितने मर्जी चाहूं इशू लेके आ सकता हूं, मुझे किसी से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पर आइए नीचे देखिए, an information memorandum is required to be filed by the company filing a shelf prospectus which shall contain all material facts relating to the new charges created thing changes in the financial position of the company as have occurred, ye important hai, as have occurred between the first offer of the security or the previous offer of security and the succeeding offer of security। तो वही मैंने कहा कि मान लो मुझे जैसे 25 को मैंने फाइल किया, 25 जनवरी को 28 जनवरी को सेबी ने मुझे अप्रूव कर दिया, 31 जनवरी को मैं अपना पहला इशू लेके आया मार्केट के अंदर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इशू। अब ये मैंने लोगों से पैसे ले लिए, फिर मुझे लगा कि मुझे मेरी कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो फिर मैं अब सेकेंड इशू लेके आना चाहता हूँ,
बट मैं उसमें थोड़ा सा समय गैप दिया, तो 31 जनवरी के बाद जो हमारा सेकंड इशू आने वाला है वो 31 मार्च को आने वाला है। एक साल के अंदर मैं कितने भी इशू ला सकता हूँ, तो ठीक है 31 मार्च को आने वाला है। वो ये कहते हैं जो मैंने अभी आपके सामने बात कही कि जब ये इशू आया था और अब जब ये इशू आने वाला है 31 मार्च का, तो अगर इस दो डेट्स के बीच में कोई भी चेंजेस आए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन जो थी वो खराब हो गई है, क्योंकि अगर अच्छी हो गई है तब तो फिर किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, खराब हो गई है पहले से, तो आपको बताना पड़ेगा सेबी को, या फिर कंपनी ने लोन चार्जेस, मतलब क्या है कि कंपनी ने उधार बहुत ज्यादा ले लिया है। जब 31 जनवरी को पहला वो इशू लाई थी तब कंपनी पे उधार बहुत कम था, बट बहुत कम था, और सेबी की नॉलेज में था कि कंपनी पे इस समय 100 करोड़ का उधार है। कंपनी जो होती है वो तो इसी तरीके से डील करती है भाई, 100 करोड़ का उधार है। अब जब 31 मार्च धीरे धीरे पास आ रही है, तो ये जो 100 करोड़ का उधार है ये बढ़ के कितना हो गया, 1000 करोड़। तो आपको नहीं लगता ये सेबी को बताने वाली बात है, क्योंकि सेबी ने तो ये सोच के हमें अगले 12 महीने तक का परमिशन दी थी कि भाई हमारा जो कंपनी है उसको 100 करोड़ का ही उधार है, बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120, 130, 140, 150 यही हो जाएगा, या चलो डबल हो जाएगा। बट ये तो 1-2 महीने के अंदर ही डबल क्या उससे कितने 10 टाइम ज्यादा हो गया, 100 का 1000 हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फॉर श्योर सेबी को बतानी है। तो अगर कुछ भी चेंज नहीं आता है, मान लीजिए आपने सेबी से जब अप्रूवल लिया और उसके बाद जब आप इशू ला रहे हैं 31 जनवरी को, और उसके बाद मार्च में और अप्रैल में कुछ नहीं बदला, तो फिर ठीक है, फिर आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक साल आपके पास है, आप कितने भी इशू लाइए। पर जो आपने इशू पहले फाइल किया था जो 31 जनवरी को था, जैसे कि मैंने कहा, अगर उस समय आपका जो लोन आपने लोगों से लिए हुए थे वो 100 करोड़ के थे, और 2 महीने बाद जब आप इशू लाने की सोच रहे हैं विच इज 31 मार्च को, तो वो जो लोन है वो बढ़ के, आपने और लोगों से भी लोन ले लिया कंपनी ने, बढ़ के वो 1000 करोड़ हो गए। तो फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे जरूर हमें एक तरीके से सेबी को बताना पड़ेगा, क्योंकि अब पोजीशन में बहुत बदलाव आ चुका है, पहले कुछ और बात थी और अब बात जो है वो कुछ और है। तो ये कहा गया विद रजिस्ट्रार विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम प्रायर टू द इशू ऑफ द सेकेंड सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो अगर कुछ भी बदलाव है तो आपने चेंजेस जो है उसके बारे में इंटीमेशन देनी है। जो चेंजेस के बारे में आप इंटीमेशन देंगे, मैंने आपसे पहले भी जैसे अभी मैंने कहा, एक तो सेबी को आप बताएंगे, दूसरा आप बताएंगे रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, बट रजिस्ट्रार का मतलब क्या है, ROC। ROC मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहां पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि जो बच्चे ये क्लास देख रहे हैं दिल्ली से देख रहे हैं, बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं अभी, हमें खुद नहीं याद रहता कि भाई आखिरी बार इस बच्चे से कब बात हुई थी, तो नहीं याद रह पाता। तो बहुत सारे अलग अलग लोकेशन पे बच्चे अब क्लास देख रहे हैं, और क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमारी सारी जो क्लासेस हैं, शायद ही ऐसा होता होगा, कहीं मेरी नॉलेज में तो नहीं है, वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज है। जैसे आप जानते हैं मैं बार बार आपको कहता हूँ कि भाई आपने यहाँ पे देखो लिखा भी है नीचे, हमने साफ साफ लिखा है वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज। आपने ये, आपको खुद भी लग रहा होगा कि हाँ इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कंटेंट भी है, और जो सर मॉड्यूल में है वो भी पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो आई थिंक अपने आप में एक ये बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी अब हो गई है, और बच्चे प्रमोट कर रहे हैं, पता है आपको, बच्चे प्रमोट कर रहे हैं एक दूसरे को कि भाई तूने एग्जीक्यूटिव पढ़ना है या फाइनल पढ़ना है तो शांतनु सर की क्लास लेनी है, बिकॉज उनकी क्लासेस में सारा कॉन्टेंट कवर है। हम नहीं कर रहे, बच्चे कर रहे हैं प्रमोट। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई सारी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको दिखाई चुका हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं, लिखा है इन सिंपल टर्म्स द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंटेन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड टू द कंपनी एंड ऑपरेशंस एंड प्रोस्पेक्टस डज नॉट इंक्लूड द की डिटेल्स ऑफ द इशू सच एज द प्राइस एंड द नंबर ऑफ शेयर ऑफर। तो कितने शेयर हैं, कितने प्राइस पे हैं, इसके अलावा ये दो चीजें नहीं होती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, इसके अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। क्या रीजन है ये मैं आपको बता चुका हूँ। Now, according to section 32, a company proposing to make an offer of security may issue a red herring prospectus prior to the issue of prospectus. मैंने आपको अभी कुछ देर पहले क्या कहा कि भाई अगर red herring prospectus आएगा तो उसके बाद कौन सा prospectus आएगा, उसके बाद दोबारा से prospectus भी issue किया जाएगा, यही तो मैंने कहा। क्योंकि red herring prospectus में जो मैं अभी कह भी रहा था, कंपनी जानना चाहती है कि भाई जो लोग हैं वो हमारा शेयर खरीदना भी चाहते हैं या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम अपना शेयर मार्केट में लेके आए और कोई खरीदे ना। क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लो कंपनी अपना शेयर मार्केट में लेके आई है और 90% से वो कम सब्सक्राइब हुआ है, तो ये फेल हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि अगर कंपनी अपना शेयर लेके आई है
और वो 10,000 शेयर जो है वो देना चाहती है। वैसे 10,000 नहीं कोई देता, लाखों करोड़ों में कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है। बट कंपनी अपना आईपीओ या एफपीओ लेके आई। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल, जब कंपनी सबसे पहली बार ऑफर ला रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ क्या होता है? फर्दर पब्लिक ऑफर। तो अगर कंपनी 10,000 का इशू लेके आ रही है, चाहे आईपीओ है चाहे एफपीओ है, और 10,000 का अगर 90% निकालेंगे तो कितना आएगा? 9,000। तो अगर मान लो 7,500 शेयर ही बिके, या 8,500 ही बिके, या 8,800 ही बिके, मतलब 9,000 से कम बिके, तो इशू क्या हो जाएगा? कंपनी का फेल हो जाएगा। और ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि देखो जो जो कंटेंट की रिक्वायरमेंट है मुझे वो आपको समझाना है, जिससे कि आपको समझ में आए। क्योंकि कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने इतनी डिटेल में जरूर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत शायद, बट इतनी डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं इसलिए आप देख रहे हैं वीडियोस में मैं छोटी छोटी बना रहा हूँ, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहे। क्योंकि ये कोई ऐसी टॉपिक नहीं है, देखो इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, ये होता तो एक अलग बात थी। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हमें बहुत ध्यान लगा के चीजें समझनी है, बिकॉज उसके बाद जब हम आगे जाएंगे फाइनल वगैरह में, प्रोफेशनल में जिसको कहते हैं, इन चीजों का बहुत यूज होने वाला है, और हमारी जो सीएस की एक तरीके से लाइफ है उसमें बहुत इसका यूज होना है। तो इसीलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, जिससे कि आप समझ सकें। तो क्या होता है कि अगर 90% से, आप समझ गए ना, 10,000, 90%, 9,000, अगर 9,000 से कम कंपनी के शेयर्स बिके तो इशू फेल हो गया। और अगर एक बार इशू फेल हो गया तो जो बेस्ती मीडिया में, आजकल आप जानते हैं हर जगह 24/7 मीडिया है, तो वो कुछ भी रिपोर्ट बनाते हैं। और वैसे भी ये रेपुटेशन की बात देखो होती है कि अगर कोई चीज, कोई इतना बहुत खर्चा आता है इस प्रोसेस में, आप बेचने गए और लोगों ने शेयर ही नहीं लिए 90% भी, तो फिर ये फेल माना जाता है। और अगर एक बार किसी कंपनी का इशू फेल हो जाता है तो अगले 12 महीने तक, ध्यान से सुनिए, अगले 12 महीने तक इशू नहीं ला सकती। अगर एक बार किसी कंपनी का इशू फेल हो गया तो अगले 12 महीने तक इशू नहीं ला सकती। तो फिर बेइज्जती तो चलिए इंसान सह लेगा शायद, कि ठीक है होता है सबके साथ, और मोटिवेट हो जाएगा, बट फिर वो अगले 12 महीने तक ला नहीं सकता, और शायद उसके बाद भी डरेगा, पता नहीं कि भाई मेरा इशू सक्सेस होगा या नहीं होगा। आपने सुना है वो एक चीज होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी 10,000 शेयर देना चाहती है, बट लोग जो हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने शेयर्स अप्लाई कर दिए, तो कंपनी के पास देने के लिए सिर्फ 10,000 है, जबकि जो शेयर्स लेना चाहते हैं वो 12,000 शेयर्स लोग लेना चाहते हैं, बट जबकि कंपनी सिर्फ 10,000 दे रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या हुआ कि कंपनी 10,000 शेयर देना चाहती है, लोग 5,000 भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को शायद विश्वास ही कंपनी पे नहीं है। तो ये ना हो तो ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। बट फिलहाल ये बताया गया कि अगर आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक बार निकालेंगे, जिसमें आप लोगों से पूछते हैं कि वो किस प्राइस पे शेयर लेना चाहते हैं, जब, जैसे मैंने बताया, जब वो अपना रिकमेंडेशन देंगे, उसके बाद कंपनी एक्सपर्ट्स के साथ मिलके, जिनको मर्चेंट बैंकर भी कहते हैं, क्या है ये लोग आगे बात करेंगे, कंपनी फाइनल प्राइस तय करती है। और फाइनल प्राइस तय करने के बाद कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद जब ऑप्शंस आ जाते हैं लोगों के, भाई इतने इतने पे हम शेयर लेना चाहते हैं, तो कंपनी एक्सपर्ट्स के साथ फाइनल प्राइस तय करके दोबारा से, अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया, दोबारा से कंपनी निकालेगी, बट उसको कहेगी प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर जो डिटेल्स मिसिंग थी कि कितने शेयर्स हैं, कितने प्राइस पे हैं, वो भी इंफॉर्मेशन हम मेंशन कर दी जाती है। तो यही कहा है कि पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है, उसके बाद प्रोस्पेक्टस भी आता है। Such company proposing to issue a red herring prospectus shall file it with the registrar at least 3 days prior to the date of the subscription and the offer. तो अगर आप red herring prospectus के तौर पे बात कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है इससे पहले आप red herring prospectus जो है वो normal market में public को दें, पहले आपको उसकी copy जो होगी वो submit करनी पड़ती है, किसको? Registrar को। और यहाँ पे रजिस्ट्रार का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, रजिस्ट्रार का मतलब है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वहां पे ये जो कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ती है। आगे बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एब्रिज प्रोस्पेक्टस। देखिए एब्रिज प्रोस्पेक्टस एक शॉर्ट वर्जन है। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, मैंने बोला तो आपको सुनने में शायद अजीब सा लगा हो, मैंने कहा कि एक प्रोस्पेक्टस जो है वो 300 से 500 पेज का हो सकता है, 300, 350, 400, 450, 500 हो सकता है। अब इतना समय शायद ही किसी के पास हो, और इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। चलिए समय तो इंसान हर चीज के लिए निकाल लेता है, मेरा तो ये मानना है,
कि समय निकाल लिया जा सकता है अगर हम उस चीज को करना चाहते हैं तो हम समय निकाल लेते हैं। आप जिम जाते हो, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई नहीं है यार, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का, अपनी फिटनेस का टाइम नहीं है। पर आप देखिए कि जिम आप जाइए, जिस भी जिम में आप जाएंगे वहां पे आपको खाली नहीं मिलेगा, वहां पे लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, हो सकता है आपके जानने वाले ही होंगे। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी इन द एंड ऑफ द डे कि हम किसको कितना समय देना चाहते हैं और किस चीज को कितने समय तक एक तरीके से करना चाहते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी है, बट प्रैक्टिकल तौर के अगर बारे में बात करें तो किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉलेज भी तो होनी चाहिए, एक टाइम है और दूसरा नॉलेज भी है और इंटरेस्ट भी है कि मैं 500 पेजेस पढ़ूं। अब मान लो अगर जैसे मैं हूं, अब मैंने अगर सिर्फ 2-3 हज़ार रुपए किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है तो मैं 500 पेज तो नहीं पढ़ूंगा ना, बिकॉज फिर एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो है कि नहीं। तो वही चीज है, अब जो ऐसे लोग हैं जो मेजोरिटी होंगे जो पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ना चाहते, तो उसके लिए क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोग पढ़ेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, और फिर ये भी है कि अगर फ्रॉड हो जाएगा तो लोग बोलेंगे गवर्नमेंट को कि आपने क्यों नहीं देखा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई लोगों को हमें पढ़वाना है, बट 500 पेज तो पढ़ेंगे नहीं। तो एक नया कंसेप्ट लाया गया जिसका नाम है एवरेज। एवरेज मतलब है समरी, मतलब शॉर्ट। तो जो प्रोस्पेक्टस है उसकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जिसको बनाया गया है उसमें से मेन बातें निकाल ली जाएंगी, यानी मेन जो है इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको निकाल लिया जाएगा और उसको हम कहेंगे एवरेज प्रोस्पेक्टस। अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पे एक चीज लिखी है जो मैंने हाईलाइट भी करी है, लिखा एवरेज प्रोस्पेक्टस कंसिस्ट ऑफ 48 पेजेस। इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि कहाँ 400 पेजेस थे तो कहाँ सिर्फ ऑलमोस्ट 10% पेजेस रह गए हैं। 400 पेजेस से कंपैरिजन में 48 पेजेस पढ़ना आई सपोज इज एन इजी टास्क। वही बात यहाँ पे कही गई है कि जो लोग पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ सकते उनके लिए एवरेज प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट है। एवरेज प्रोस्पेक्टस और कुछ नहीं है, इट्स अ शॉर्टर वर्जन ऑफ द मेन प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा होता है, इसके अंदर कम ही लिखा होता है, बट वो कम वो वाली इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप जानना चाहेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, कंपनी किस प्राइस पे इशू कर रही है, कंपनी का फाइनेंशियल कौन है, फाइनेंशियल मतलब अब बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के KNP कौन है, कंपनी को कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा, कंपनी को पेनल्टी तो नहीं लगी है, कंपनी ने इससे पहले इशू लाई है नहीं लाई है, ये जो ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में है जो बेसिकली एक इन्वेस्टर जरूर पूछता है इन्वेस्ट करने से पहले, वही बस चीजें यहाँ पे होती हैं। बाकी बहुत सारी चीजें जो जाननी चाहिए बट बिना जाने भी शायद काम चल सकता है वो यहाँ पे नहीं मेंशन करी होती। तो एक तरीके से जो फुल वर्जन है वो प्रोस्पेक्टस है, उसी का जो शॉर्ट वर्जन है वो एवरेज प्रोस्पेक्टस है। यहाँ पे भी मतलब मैं बार बार इसके रिलेवेंस नहीं दिखाना चाहता, बट फिर भी अब यहाँ पे देखेंगे कंप्लायंस ऑफिसर कॉन्टैक्ट पर्सन में नाम लिखा हुआ है, तो आई थिंक कंपनी सेक्रेटरी के बगैर बहुत जगह उसको कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं, तो कुछ लोग उसको कंप्लायंस ऑफिसर कहते हैं। इशू प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आप नहीं आ सकते, चाहे छोटे अमाउंट का हो चाहे बड़ा अमाउंट का हो, आप नहीं कर सकते। लॉ ऐसा नहीं है कि हम मतलब कर नहीं सकते कि मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, लॉ मना करता है कि जब तक कंपनी सेक्रेटरी नहीं है आप ये इशू कोई भी किसी भी तरीके का नहीं ला सकते। सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी शैल बी इशूड अनलेस सच फॉर्म इज अकंपनीड, अकंपनीड मतलब साथ में है, बाय एवरेज प्रोस्पेक्टस। अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल ऑन रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय द पर्सन बिफोर क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर बी फर्निश्ड टू हिम। द पीनल प्रोविजन प्रोवाइड टू द कंपनी व्हिच मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। तो देखिए जब लोग मान लीजिए देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और मैं इस कंपनी के शेयर, या चलिए ऐसे करिए कि एक कंपनी जिसका नाम एबीसी लिमिटेड है, एक्स जो है वो इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो जब एक्स इस कंपनी के शेयर अप्लाई करेंगे तो एक्स को एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें वो लिख सकते हैं वो कितने शेयर लेना चाहते हैं, वो पैसे कैसे देंगे, अपना नाम पता वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। उसी के साथ, उसी एप्लीकेशन के साथ ये एवरेज प्रोस्पेक्टस, एपी लिख रहा हूं मैं, एवरेज प्रोस्पेक्टस जो है वो अटैच करके दिया जाएगा। आप देखो किसी के लिए हम ये तो नहीं कर सकते कि तुम यहीं बैठ के उसको पढ़ो, कोई पढ़ाई तो नहीं हो रही, इतना टेस्ट हो रहा है कि यहीं बैठ के आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग। तो हम उनको ये एप्लीकेशन के साथ देंगे ही देंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई मैंने एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ना, मैंने तो पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, तो फिर ठीक है उनको पूरा प्रोस्पेक्टस की कॉपी भी हम दे सकते हैं, बट जनरली ऐसा लोग कहते नहीं है। बट कोई ये इल्जाम लगाए कि हमें कुछ दिया नहीं था पढ़ने के लिए और 500 पेज का डॉक्यूमेंट कौन पढ़े, तो इसीलिए एप्लीकेशन के साथ एक
कंपलसरी है, बताया जा रहा है अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो 50,000 रुपए का जुर्माना या पेनल्टी उस पर लगेगी। तो कंपनी को क्या करना है, अगर मैं उसका शेयर ले रहा हूं तो मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी देगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपने बारे में भरनी होगी, कितने शेयर्स कैसे पेमेंट करूंगा, नाम पता वगैरह, पैन नंबर वगैरह, और साथ साथ कंपनी मुझे एवरेज प्रोस्पेक्टस देगी। अब वो अगर मेरी मर्जी, अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उनका काम था देना। अब उन्होंने, अब जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कई बच्चे इस बीच में व्हाट्सएप देख रहे हैं, कई बच्चे इस बीच में फेसबुक देख रहे हैं, तो अब मैं उसमें बताऊँ क्या कर सकता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि ध्यान से सुनो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो कहते हैं नहीं नहीं सर ठीक है, समझ में आ रहा है, हम कर लेंगे ये, तो फिर मैं उसमें बताओ क्या कर सकता हूँ, है कि नहीं? दोनों ही बातें अपनी जगह सही है, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है, चाहे कैसे भी बताओ। तो यही बात यहाँ पे भी मैंने आपको समझाई है, तो ये ध्यान रखें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर एवरेज प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करें तो हर कंपनी को कंपल्सरली देना ही देना है, उसके बगैर अगर कंपनी किसी से पैसा लेती है तो 50,000 रुपए का पेनल्टी कंपनी को लग सकती है। आगे बात करते हैं ऑफर फॉर सेल और डीम प्रोस्पेक्टस। देखिए एक और टॉपिक प्रोस्पेक्टस के बारे में हम बात करते हैं, और बस इसको पढ़ के वी विल अगेन रैप अप दिस पार्ट, और उसके बाद दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, बट वो फिर प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, क्योंकि जब प्रोस्पेक्टस के बारे में काफी बात हो चुकी है तो मैं उसको एक पार्ट में कवर करना चाहता हूँ। जब मैं दोबारा भी, तो एक टॉपिक है बट उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो सिक्योरिटीज एट प्रीमियम से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक ऑफर इंक्लूड्स और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थ्रू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। The document offer for sale is an invitation to general public to purchase the shares of the company through an intermediary, such an issuing house or merchant banker. A company may allot or agree to allot any shares or debentures to an issue house without there being any intention that part of the company to make shares or debentures available directly to public through issue of prospectus. The issue house is taken as offer for sale to public. देखिए आपको ये सोचे कि ठीक है, कंपनी सोचे कि भाई एक इनफॉर्मल तरीके से कि यार ये तो बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस है, पहले हम प्रोस्पेक्टस 400-500 पेजेस का बनवाएं, तो उसके लिए हम लोगों को हायर करें, उनको पैसे दें, खर्चा करें, फिर रेगुलेटरी अप्रूवल अथॉरिटी से अप्रूवल वगैरह लें, फिर मार्केट में जाएं, फिर शेयर्स के बारे में पूछें, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। मैंने कहा 2 से 3 महीने लग जाएंगे या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम कुछ लोगों को पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि आपको हमारे शेयर चाहिए, आपको हमारे शेयर चाहिए, ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है हम बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानते, बट अगर 30-40 लोगों को भी जानते हैं तो वो बड़े बड़े लोग हैं, उनको हम दे देते हैं शेयर्स, है ना, तो उस समय पैसे की रिक्वायरमेंट जो है, क्योंकि बाहर के लोगों को देंगे, नॉर्मल पब्लिक को देंगे तो कोई 1 शेयर खरीदेगा, कोई 5 खरीदेगा, कोई 10 खरीदेगा, हमारे पास तो बड़े लोग हैं, द सेंस ये कि दे आर वेल्थी, दे आर रिच, तो वो तो जनरली बहुत इजिली अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादा खरीद पाना चीजों को, तो उन्हीं को दे देते हैं शेयर्स। तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके से, लिखा है वर्ड डीम्ड, डीम मतलब मान लिया जाएगा, अगर आप किसी भी तरीके से ये सोच रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस की ऑब्लिगेशन को बचने के लिए आप इस तरीके का कुछ कर लेंगे तो आप गलत फहमी में है, वो फिर भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, और प्रोस्पेक्टस अगर वो माना जाएगा तो उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है वो उसी तरीके से एप्लीकेबल करी जाएंगी। लेकिन द डॉक्यूमेंट ऑफर फॉर सेल इज एन इनविटेशन टू जनरल पब्लिक टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी थ्रू एन इंटरमीडियरी सच एन इशूइंग हाउस और मर्चेंट बैंकर। अ कंपनी मे अलॉट और अग्री टू अलॉट एनी शेयर डिबेंचर टू एन इशू हाउस विदाउट देयर बींग एनी इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू मेक शेयर्स और डिबेंचर अवेलेबल डायरेक्टली टू पब्लिक। तो कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स डायरेक्टली ना देके किसी बड़े बैंक को या किसी और बड़े इंडिविजुअल्स वगैरह को दे देती है शेयर, तो वो कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने शेयर ऑफर करे। आप ये नहीं कह के कर रहे कि मैं पब्लिक को शेयर्स दे रहा हूँ, बट आप शेयर्स तो दे रहे हो ना, आप लोगों को तो शेयर्स बोल रहे हो ना कि हमारे शेयर्स खरीद लो। तो अगर आप डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस का उस चीज को नाम नहीं देते, आप कहते हैं मैं तो थोड़े लोगों को शेयर्स दे रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि थोड़े लोगों को शेयर्स देना भी इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि एज आपने नॉर्मल पब्लिक को शेयर इशू किया है, और जो भी रिक्वायरमेंट प्रोस्पेक्टस की होंगी वो सारी की सारी आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगी, जो कि तब होती अगर आप नॉर्मल पब्लिक को शेयर्स इन्वेस्ट करते या शेयर इशू करते। अभी तो नॉर्मल पब्लिक को नहीं दिया ना, कुछ लोगों को दिया, तो उनका कहना है कि कोई फर्क नहीं, आप चाहे कुछ लोगों को दें या बहुत सारे लोगों को दें, जो ऑब्लिगेशन है प्रोस्पेक्टस की वो इक्वली एप्लीकेबल होगी, और आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोसीजर्स हैं, वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। So, ये देखिए प्रोस्पेक्टस के बारे में बात थी, दिस वॉज द चैप्टर नंबर 2 एंड ऑब्वियसली दिस वॉज द पार्ट नंबर 3। अब मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने वाला हूँ राइट आफ्टर दिस, बस इसलिए नहीं मैं खत्म कर रहा कि और कुछ बात है, खत्म मैं इसलिए कर रहा हूँ
बिकॉज मैं पार्ट्स को छोटे रखना चाहता हूँ, जैसे ऐसे होते जाए देखते जाओ पार्ट्स उसमें क्या है, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आधे घंटे का उससे ज्यादा है फॉर श्योर। तो आई थिंक हमें जरूरी है ये बात समझना कि टॉपिक्स को हम देखें और समझें, और जैसे मैं बार बार आपको रिमाइंड और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेर एवर पॉसिबल, जहां पे मैं आपको समझाता हूँ हर जगह, अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए, जिससे एग्जामिनेशन से पहले आप उसको रिव्यू कर सकें, रिवाइज कर सकें, याद कर सकें, और पहले अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फॉर ऑल सी एस एग्जीक्यूटिव एंड सी एस प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स ओनली एंड ओनली शांतु मंडारी क्लासेस। थैंक यू।